दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास टेंडा कंपनी का राउटर है और आप उसे इस समय यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ चेक करना है कि आपके उस राउटर से कितने डिवाइस इस समय कनेक्टेड हैं, अगर आप ये देखना चाहते हो उन डिवाइसेस के नेम्स, और अगर आप यहीं से उनको बंद करना चाहते हो, मतलब अगर आप चाहते हो जो डिवाइस कनेक्ट हैं उनमें इंटरनेट ना काम करे, तो ये जो सेटिंग्स हैं ये सब आप कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चेक कर पाते हो कि आपके टेंडर राउटर से कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं और ये प्रोसेस आप कंप्लीट अगर चेक कर लेते हो मेरे वीडियो को देखने के बाद, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये प्रोसेस करने में कहीं पर भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कॉमेंट करके मेरे को आप बता सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपके पास जो टेंडर राउटर है उससे दोस्तों आपका मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी आप ये सेटिंग्स करने वाले, जिससे आप चेक करने वाले हो, उसमें वो राउटर कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्रोम के अंदर आना है और यहाँ पे टेंडा लिखना है और यहाँ पे सेकेंड वेबसाइट दिखेगी टेंडा राउटर लॉगिन, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एडमिन में क्लिक करना है। और अगर आपने लॉगिन पासवर्ड कोई सेट कर रखा होगा तो आपसे दोस्तों लॉगिन पासवर्ड पूछेगा, नहीं अगर आपने कोई भी लॉगिन पासवर्ड नहीं सेट किया है तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कोई पासवर्ड सेट किया होगा तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से आपसे लॉगिन पासवर्ड पूछेगा। और अगर आपको लॉगिन पासवर्ड नहीं याद है तो दोस्तों फॉरगेट कैसे करना है ये भी बताया गया, तो यहाँ पर आपको 8 सेकंड तक अपना जो रीसेट बटन है राउटर के बैक साइड में उसको प्रेस करके रखना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो राउटर है वो रीसेट हो जाएगा। और दोस्तों ये दोस्तों जो रीसेट होगा उसके बाद आपको अपना जो वाईफाई जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उससे आपको बात करना पड़ेगा, उसके बाद ये दोबारा से इंटरनेट आपका चालू हो पाएगा। अगर आप रीसेट करते हो तो आपका इंटरनेट काम करना बंद कर देगा, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपने कोई लॉगिन पासवर्ड बना रखा है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर कोई लॉगिन पासवर्ड नहीं है तो ये ऑटोमेटिक आपका वहीं पे आ जाएगा जैसे कि अभी हमारा ये ओपन हुआ था, ठीक है। तो अभी चलिए यहाँ पर मैंने अपना लॉगिन पासवर्ड डाला और उसके बाद लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस समय आपके राउटर से कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो अभी इस समय मेरे केस में सिर्फ 2 दिख रहे हैं, आपके केस में हो सकता है 1 हो या 4 हो, 5 हो, जो भी जितने भी कनेक्ट होंगे वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों इन नंबर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे जितने डिवाइसेज आपको दिख रहे थे उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है तो यहाँ पर आप आ जाओगे दोस्तों। और दोस्तों ये जो प्रोसेस मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ सेम प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा उन डिवाइसेस के नेम कि कौन सा डिवाइस आपके यहाँ पर राउटर से कनेक्ट है। और दोस्तों यहीं से आप उनमें लिमिट सेट कर पाओगे, डाउनलोड लिमिट और अपलोड लिमिट, ठीक है। तो अभी इस समय कोई लिमिट नहीं सेट है और अगर आप सेट करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके आप लिमिट वगैरह सेट कर सकते हो। और अगर आपको मैनुअल यूनिट MBPS डालना तो इस पर क्लिक करके आप मैनुअल टाइप कर सकते हो, यहाँ पर जितना भी इस तरीके से आपको रखना हो वो आप यहाँ पर लिमिट रख लीजिएगा। अब दोस्तों ये प्रोसेस यहाँ से आप लिमिट का कर सकते हो। बाकी अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर हमारे जो राउटर हैं उससे जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनमें अगर हम चाहते हैं कुछ डिवाइसेस में इंटरनेट वर्क ना करे, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पर एक ये मेरा फ़ोन है V20 और 25 के नाम से, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको बंद कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको जैसे ही ऑन किया मैनेज वाला आप देखोगे इसके नीचे जैसे मैंने इस सेटिंग को ऑन किया उसके बाद दोस्तों ओके पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये जो मेरा डिवाइस है इसमें इंटरनेट वर्क करना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेरा फ़ोन है इसमें इंटरनेट इस समय वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर यही चीज़ मैं यहाँ से इसको भी ऑन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे लैपटॉप में भी इंटरनेट बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप इंटरनेट बंद कर सकते हो दूसरे डिवाइसेस का जो भी कनेक्टेड है इस समय आपके राउटर से। और बाकी यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर आप अपने टेंडर राउटर में जो डिवाइसेस आपके कनेक्ट हैं वो आप कैसे देख सकते हो। और दोस्तों अगर ये प्रोसेस करने में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप ये प्रोसेस कर लेते हो मेरे वीडियो को देखने के बाद तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।